असलम दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स ईटा पी एस टी का ये फिफ्थ जून 2022 को कंडक्ट uh, होने वाला पेपर है इसके इंग्लिश ग्रामर एम सी क्यूज़ का सोल्यूशन पेश खिदमत है अगर आप पहली दफ़ा चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें तो चलिए शुरू करते हैं ये क्वेश्चन है द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग पंक्चुएट एंड कैपिटलाइज द सेंटेंस इसको हमने देखना है इसकी पंक्चुएशन uh, तो दा चूंकि ये टी कैपिटल होगा द बर्ड्स आर सिंगिंग द सॉन्ग्स अब देखें ना यहां पे एक्सक्लेमेशन uh, मार्क या क्वेश्चन मार्क या कॉलन लगाने की जरूरत नहीं है बल्कि ये सिंपल सेंटेंस है डेक्लिटिव सेंटेंस है यहां पे फुल स्टॉप आनी चाहिए तो बी यहां पे आंसर आ जाएगा चूज अ कंपाउंड वर्ड मेड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन रेन फ्लाई स्ट्रॉ ऑर्डनरी बो इनमें से जो है ना इन वर्ड्स से बना हुआ कोई कंपाउंड वर्ड हमने देखना है अब आप देख सकते हैं ना ऑर्डनरी फ्लाई स्ट्रॉ और रेन बो रेन और बो को मिल से, मिल से मिला के तो ये कंपाउंड वर्ड बन गया रेन रेनबो तो सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है हीरा कीप्स हर बेडरूम नीट एंड क्लीन आइडेंटिफाई द प्रोनाउन यहां पर नीट हर हीरा कीप इन में से प्रोनाउन क्या हैर हर. तो हैर यहाँ पे एक्यूजेटिव यह या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है तो ये राइट आंसर भी आ जाएगा दे केन फिक्स द प्रॉब्लम आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मॉडल वर्ब मॉडल वर्ब यहां पर केन है तो केन का हमने फंक्शन देखना है इन एबिलिटी रिक्वेस्ट एबिलिटी ऑफर तो ये यह केन यहाँ पे आपकी एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं आई कैन ड्राइव Uh, तो ये जैसे मैं कहता हूँ आई कैन ड्राइव में ड्राइव कर सकता हूं ये एबिलिटी होती है आई कैन राइट तो यहाँ पे ये एबिलिटी को शो कर रहा है सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा आई एम फ्रॉम पेशावर आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ब एम आगजिलरी वर्ब मेन वर्ब मॉडल वर्ब या नन ऑफ द तो इज एम आर वाज वर एटसेट्रा ये आपके हेल्पिंग uh, वर्ब्स होते हैं जिसको आगजिलरी वर्ब भी बोला जाता है तो राइट right आंसर ए आ जाएगा नेक्स्ट है द बूचर हैज क्लीन द द वॉइस वॉइस को हमने चेंज करना है विंडोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इसको स्टार्ट में लेके आ जाएंगे विंडोज हैज यहाँ पे है ना तो विंडोज चूंकि प्लूरल है इसके साथ हैव आ जाएगा हैव बीन क्लीनड बाय द बुचर तो बी यहाँ पे राइट right आंसर आ जाता है ऊपर देखें हैज है तो हैव के साथ बीन नहीं यूज हुआ यहाँ पे और यहाँ पे हैड बीन है तो राइट right आंसर बी आ जाएगा आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इसमें से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमने देखना है दे आर माइंड हेर यूअर्स ये तो पॉजिशिव प्रोनाउंस हैं हर सेल्फ इट सेल्फ माई सेल्फ देखें सेल्फ के साथ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और देखें ये राइट फूल ट्रेन ये डिफरेंट वर्ड्स हैं तो ये प्रोनाउंस तो नहीं है ऊपर अलबत् ये पोजेसिव हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड फ्रीकवेंट फ्रीकवेंट कौन सा वर्ड है फ्रीक्वेंट आपका ये एडजेक्टिव है देखें ना फ्रीक्वेंट एक ऐसा भैया वर्ब तो नहीं है ना ही प्रोनाउन है ये एडजेक्टिव की एक एग्जाम्पल है तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है यू डैश मेक ब्यूटिफुल पेंटिंग चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब देखें यू डैश मेक तो यू हैव यू के साथ हैव आ जाता है और मेक की थर्ड फॉर्म मेड आ जाती है यू हैव मेड ब्यूटिफुल पेंटिंग तो बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा

चूँकि आपके जो होते हैं ना पर्सनल प्रोनाउंस वहाँ पे ही शीट दे इस्तेमाल होता है तो ये बेजान चीज़ है इसके लिए इट आ जाएगा तो आई टर्न इट अफ ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा नेक्स्ट है ही इज़ अ स्मार्ट बॉय चूज द करेक्ट प्लोरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इसकी प्लोरल फॉर्म हमने देखनी है ही इज स्मार्ट बॉयज दे आर स्मार्ट बॉयज देखिए ना दे आर स्मार्ट्स नहीं आता दे आर स्मार्ट बॉय नहीं आता दे आर स्मार्ट बॉयज बी यहाँ पे आंसर आ जाएगा

Next, uh, someone has removed the grammar book uh, and I want him to return it. आइडेंटिफाई द एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट हमने देखना है देखे ना एंटीसीडेंट क्या होता है जो चीज पहले डिस्कस हुई होती है और आगे कोई प्रोनाउन उसको रेफर कर रहा होता है देखें समवन यहाँ पे एक पहले चीज यूज, यूज हुई है तो इसमें आप देखें ना आई वॉन्ट हिम टू रिटर्न हिम समवन के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है यहाँ पे हिम वर्ड रेफर बैक कर रहा है समवन के लिए तो समवन ये पहले यूज हुआ हुआ है तो ये क्या है समवन यहाँ पे एंटीसीडेंट है ए यहाँ पे आंसर है इन द लाइन लाइफ इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड द पोइट यूज अब अ ना लाइफ को वो क्या कह रहा है यानी कि पंख टूटा हुआ कोई परिंदा जो है उस वो उसको करार दे रहा है लाइफ को जब एक चीज को आप दूसरी करार दे देते हैं ना तो वो आपका मेटाफर होता है तो सिमिली में एज वर्ड्स यूज होते हैं परसानिफिकेशन में आप ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं इन एनिमेट्स को तो ये क्या है लाइफ इज ब्रोकन विंग बर्ड ये एक मेटाफर की एग्जाम्पल है सी पे आंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट है चूज द वर्ड विद शॉर्ट वावल पिन सी रूट ट्यूब इसमें से जो है ना पिन ये शॉर्ट वावल है तो बाकी सब में लॉन्ग वावल यूज हुआ हुआ है सी रूट ट्यूब आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्शन वर्ब ये देखे ना बैट ये नाउन है एब ये आपका प्रपोजिशन है बाई भी प्रपोजिशन है जबकि वॉक ये एक एक्शन वर्ब की एग्जाम्पल है डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा आई माइट सी यू टूमारो आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड मॉडल वर्ब मेन वर्ब सेमी मॉडल वर्ब अब देखिए ना माइट मे माइट कैन कुड शुड वुड ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं मॉडल वर्ब ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा

तो जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना जैसे आप कहते हैं आई सब्जेक्ट प्ले वर्ब क्रिकेट ऑब्जेक्ट जहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो वो आपका ट्रांजिटिव होता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है देखें ना शी लाफ्ट शी स्माइल्ड ये आपके इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स होती हैं तो यह, ये आगे एट द जो जॉक ये क्या है एडवर्ब है ऑब्जेक्ट नहीं है चूज द सेंटेंस दैट हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब अब यहाँ पे हमने ट्रांजिटिव वर्ब देखना है आई जॉग इन द मॉर्निंग इन द मॉर्निंग भी ये क्या है ये एक एडवर्ब है एग्जाम्पल ऑफ एव वर्ब अब देखें द चाइल्ड लाफ्स या गर्गल्स या स्माइल्स ये सारे आपके इन ट्रांटिव होते हैं यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं होता शी सॉब्स एट नाइट एट नाइट भी ये क्या सजेस्ट कर रहा है ये भी एक एड वर्ब है तो ये भी इन ट्रांटिव वर्ब है सोप्स ठीक है गर्गल्स तो जॉक ये सारे इन ट्रांटिव जबकि आई वॉचड अ मूवी ये कें ट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल आ जाती है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ होमोफोन्स फ्रॉम द फॉलोइंग होमोफोन में सेम साउंड होती है लेकिन मीनिंग डिफरेंट होते हैं देखें ना स्टार स्टोर प्रे प्रे, प्रे लीव लाइन ईयर फियर तो ये प्रे प्रे ये दोनों सिमिलर साउंडस हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट हैं तो प्रोनाउंसिएशन सेम है बी यहाँ पे होमोफोन्स की एग्जाम्पल है चूज द करेक्ट जेंडर ऑफ द नाउन फ्लावर फ्लावर क्या है मेस्कुलन फेमिन न्यूटर तो ये ना ही मेस्कुलन है ना ही फेमिनन है ये न्यूट्रोजेंडर की एग्जांपल है बेजान को न्यूट्रोजेंडर कहते हैं सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो ये थे ईटा पी के 6 जून 2022 को कंडक्ट होने वाले पेपर में से एमसी इस तरह की मजीद वीडियोज का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा बहुत शुक्रिया देखने के लिए आने वाली वीडियो के लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बहुत शुक्रिया